हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी समय फारस के एक छोटे से शहर में एक गरीब और भोला भाला लड़का रहता था जिसका नाम अलादीन था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी माँ अकेले मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी। अलादीन ज्यादा मेहनती नहीं था, उसे ज्यादातर समय इधर उधर घूमना और मस्ती करना पसंद था। एक दिन अलादीन की मुलाकात एक रहस्यमयी जादूगर से हुई। वह आदमी खुद को अलादीन का चाचा बताकर उससे दोस्ती करने लगा। असल में वह जादूगर अलादीन का चाचा नहीं बल्कि एक चालाक और दुष्ट आदमी था जिसे जादू का गहरा ज्ञान था। उसे एक पुराने चिराग के बारे में पता था जो एक गुफा में छिपा हुआ था, लेकिन उस गुफा का द्वार केवल एक निर्दोष युवा के हाथों से ही खुल सकता था। जादूगर ने अलादीन को इस चिराग को लाने के लिए राजी कर लिया। उसने उसे एक जगह ले जाकर जादुई मंत्र पढ़े और गुफा का द्वार खोला। अलादीन गुफा में अंदर गया जहां उसे तरह तरह के हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के दिखे, लेकिन जादूगर ने उसे सिर्फ एक साधारण सा दिखने वाला पुराना चिराग लाने को कहा। जैसे ही अलादीन चिराग लेकर बाहर आया, जादूगर ने लालच में आकर उसे वहीं मरने के लिए छोड़ने की कोशिश की, लेकिन चिराग अलादीन के पास था और उसकी अंगूठी पर लगा पत्थर चमकने लगा। घबराए अलादीन ने गुस्से में चिराग को रगड़ दिया। तभी चिराग से धुआं निकला और एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, मालिक मुझे आज्ञा दें, आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए हाजिर हूं। अलादीन ने अपनी पहली इच्छा के रूप में गुफा से बाहर निकलने की मांग की, जिसे जिन्न ने तुरंत पूरा कर दिया। वह अपने घर पहुंचा और अपनी मां को सारी बातें बताईं। उसकी मां ने चिराग को साफ करने के लिए जैसे ही रगड़ा, जिन्न फिर से प्रकट हुआ। वह हैरान रह गई, लेकिन अलादीन ने उसे सब समझाया। अब अलादीन के पास एक ऐसा जिन्न था जो उसकी हर इच्छा को पूरा कर सकता था। उसने जिन्न से एक शानदार महल बनवाया और खूब सारा धन प्राप्त किया। अलादीन की किस्मत बदल चुकी थी, अब वह शहर का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। जल्द ही अलादीन को राजा की सुंदर बेटी से प्यार हो गया। उसने जिन्न की मदद से अपने लिए एक ऐसा महल बनवाया जो किसी जादुई दुनिया जैसा था। राजकुमारी भी अलादीन के प्यार में पड़ गई और राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी अलादीन से करवा दी। इसी बीच वह दुष्ट जादूगर वापस आया। उसे जब पता चला कि अलादीन अभी भी जिंदा है और अब वह अमीर और खुशहाल जीवन बिता रहा है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने अलादीन की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी को धोखे से चिराग ले लिया और जिन्न को आदेश दिया कि वह महल को उसके देश ले जाए। जब अलादीन लौटा और उसने देखा कि महल गायब है और चिराग भी, तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह उसी जादूगर का काम है। उसने अपनी अंगूठी के जिन्न की मदद से जादूगर के देश तक पहुंचने का रास्ता पाया। वहां उसने चतुराई से जादूगर को हराया और चिराग वापस पा लिया। अब अलादीन के पास फिर से चिराग था। उसने जिन्न की मदद से अपने महल और राजकुमारी को वापस अपने शहर लाया और जादूगर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद अलादीन ने चिराग को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया ताकि भविष्य में कोई और इसका गलत उपयोग न कर सके। अलादीन और उसकी पत्नी खुशहाल जीवन जीने लगे। उन्होंने अपने शहर की भलाई के लिए जिन्न की शक्तियों का उपयोग किया और पूरे राज्य में अमन चैन स्थापित किया। अलादीन और उसके जादुई चिराग की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, सही सोच और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी। यह सिर्फ एक मनोरंजक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और हिम्मत से हम किसी भी मुसीबत को पार कर सकते हैं। जिंगा लाला स्टोरीज। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए।